हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। आज के हम इस वीडियो में 66वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा जीएस पेपर वन सेक्शन टू यानी जो करंट के सेक्शन है उसके एक प्रश्न और उसके मॉडल आंसर को लेकर उपस्थित है। इसके हम इस वीडियो के दूसरे खंड में हम इस बार के लिए जितने भी करंट से संबंधित इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उन सारे टॉपिक्स की एक सूची बनाई है जो आपके साथ साझा करूँगा। इसलिए आप पेन और एक व्हाइट पेज लेकर जरूर बैठें अगर आप 66वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा देने जा रहे हैं। अगर नहीं देने जा रहे हैं, कथा की तरह सुनना चाहते हैं तो आप सुन सकते हैं, उसके लिए भी आप स्वतंत्र। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने हालिया वैश्विक महामारी COVID-19 के प्रादुर्भाव के प्रति किस प्रकार प्रतिक्रिया व्यक्त की है, आलोचनात्मक टिप्पणी करें। हाउ हैज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO रिस्पॉन्डेड टू द कोरोना वायरस आउटब्रेक क्रिटिकली कमेंट। जो आपको लगभग उत्तर देने हैं जीएस वाले आंसर की, वो 500 वर्ड्स को होने चाहिए क्योंकि आपके द्वारा बार बार पूछा जाता है कि एक स्टैंडर्ड कितना वर्ड होना चाहिए, तो 500 वर्ड्स होने चाहिए। जीएस पेपर वन में आपको 8 क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं जिसमें दो स्टेट को अगर छोड़ दें तो बाकी 6 प्रश्न बचते हैं। 6 × 500 3000 वर्ड्स आपको लिखने हैं। 3000 वर्ड्स स्टेट वाले क्वेश्चन बनाने में अप्रॉक्स 1 आवर स्टूडेंट्स को लग जाते हैं, तो 2 आवर आपके पास बचता है 6 क्वेश्चन के आंसर लिखने के लिए। तो आप 3000 से अधिक शब्द लिखने की स्थिति में समानता नहीं होते हैं। अब इस प्रश्न के हल करने का दृष्टिकोण को हम देख लेते हैं, यानी कि प्रश्न पढ़ने के बाद आपके मन में फॉर्मेटिंग किस तरीके से प्रश्न की होनी चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन और इसके कार्यों के विषय में संक्षिप्त चर्चा के साथ आपको भूमिका लिखनी है। COVID-19 के हालिया प्रकोप को नियंत्रित करने में असमर्थ रहने के कारण WHO की आलोचना किए जाने की चर्चा करें कि किन किन आधारों पर उसकी आलोचना की जा रही है। COVID-19 महामारी को नियंत्रित करने हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों की चर्चा कीजिए। संतुलित दृष्टिकोण के साथ निष्कर्ष लिखें। विश्व स्वास्थ्य संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेषीकृत एजेंसी है, स्पेशल एजेंसी है WHO, जिसकी की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, जिसका मुख्य कार्य विभिन्न देशों को, विशेषकर विकासशील एवं अल्प विकसित देशों को, स्वास्थ्य अवसंरचना के निर्माण में मदद मुहैया कराना है। WHO ने इस दिशा में पूर्व में कई सराहनीय कार्य भी किया है। आप चाहें तो 2-4 एग्जाम्पल को कोट कर सकते हैं कि WHO ने किस तरीके से स्वाइन फ्लू या अन्य तरीके की जीका जो अन्य बीमारियां फैली थी उसके नियंत्रण में किस तरीके से भूमिका अदा की थी। किंतु COVID-19 महामारी को रोकने में विश्व स्वास्थ्य संगठन की भूमिका संदेह के घेरे में क्यों है, तो जिसे निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से हम समझ सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने COVID-19 महामारी को अंतर्राष्ट्रीय चिंता संबंधी सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल के रूप में घोषित करने में अपनी धीमी प्रतिक्रिया कारण आलोचनाओं को करने का मौका दिया, यानी कि पेंडेमिक के रूप में इसे घोषित करने में काफ़ी विलम्ब किया गया। मार्च में इसे पेंडेमिक घोषित किया गया जबकि दिसंबर में ही यह महामारी वैश्विक स्तर पर फैल चुकी थी। COVID-19 के फैलाव को लेकर सटीक सूचना सदस्य देशों के साथ साझा नहीं किया गया, जैसे COVID-19 हवा के माध्यम से फैलता है या नहीं, या इस तरह के बहुत से प्रश्न थे जिसका उत्तर सही समय पर WHO के द्वारा सदस्य देशों को मुहैया नहीं कराया गया। COVID-19 के फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन कितना मददगार हो सकता है तथा लॉकडाउन किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए, इस संबंध में भी WHO ने कुछ सटीक विश्लेषण प्रस्तुत नहीं किया। सही समय पर विकासशील तथा अल्प विकसित राष्ट्रों के पास जांच किट, सैनिटाइजर तथा मास्क नहीं पहुंचाया गया, बरतने की त्रुटि है यहाँ पे, एक सुधार लीजिएगा। अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने WHO पर चीन के दबाव में काम करने का आरोप लगाया। COVID-19 के उद्भव स्थल को पता लगाने के लिए टीम गठित करने में भी WHO के द्वारा काफ़ी विलंब किया गया। एक पोर्शन हो गया।
आलोचनाओं का। अब दूसरे हिस्से पर हम आते हैं। इन आलोचनाओं के साथ हमें विश्व स्वास्थ्य संगठन की कुछ सीमाओं को भी समझना होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन में निहित सभी उत्तरदायित्वों की तुलना में इसके पास बहुत कम शक्तियां तथा प्राधिकार हैं। इसका वार्षिक परिचालन बजट इसके उत्तरदायित्वों की तुलना में काफी कम है। संगठन के पास विशेषज्ञों का अभाव है। सदस्य राष्ट्रों द्वारा स्वास्थ्य संबंधी आंकड़ों को संगठन के साथ साझा करने में कभी कभी काफी देरी की जाती है, तथा आपने देखा होगा कि COVID-19 के काल में चीन जैसे देशों के द्वारा सटीक सूचना WHO के साथ साझा भी नहीं किया गया। सदस्य राष्ट्रों के द्वारा WHO को अनुदान अंश देने में भी काफी विलंब किया जाता है। विश्व तो आपने देखा कि इसकी अपनी सीमाएं हैं। उपयुक्त सीमाओं के बावजूद यानी उपयुक्त बाधाओं के बाद भी विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा COVID-19 हेतु बेस्ट वैक्सीन और इसके चिकित्सीय विकास को आगे बढ़ाने में सराहनीय प्रयास किया है। इतना ही नहीं, इस संगठन ने COVID-19 संबंधी फैलाए जा रहे गलत तथा भ्रामक तथ्यों के प्रसार को रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की आलोचना ने इसकी वैश्विक प्रतिष्ठा और अस्तित्व को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। अतः यह समय की मांग है कि कुछ संस्थागत सुधारों के साथ विश्व स्वास्थ्य संगठन की क्षमता में वृद्धि की जाए। बिना सुदृढ़ वैश्विक स्वास्थ्य संगठन के COVID-19 जैसी वैश्विक महामारी से निपटा नहीं जा सकता है। तो एक तो लगभग हुआ हमारा 300-350 शब्द में एक उत्तर। आप इसे 500 शब्द में, अगर आपके पास इतने कंटेंट रहेंगे तो आप 500 में चाहे तो इसको इलोबरेट कर सकते हैं। आप चाहे तो 800 का आंसर लिख सकते हैं इसी के आधार पर। लेकिन आप अनावश्यक तथ्यों के समावेश से बचें, इसीलिए हमने आपके साथ पहले ही RTI की कॉपी साझा की है, GS पेपर 1 और पेपर 2 की। अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाकर वो दोनों वीडियोस देख सकते हैं। उससे आपको आइडिया मिलेगा, एक पता चलेगा कि आपको किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। जैसे इस उत्तर में आप इस तरह की चीज़ों को ज़्यादा फैक्ट, जैसे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है, इसके वर्तमान में चेयरमैन हैं, इसका क्षेत्रीय कार्यालय इन इन देशों में स्थित है, इसका मुख्यालय क्षेत्रीय मुख्यालय यहाँ यहाँ पे स्थित है, इसके बाद WHO ने समय समय पर क्या कहा, तो इस तरीके के फैक्ट्स के मैगअप करने से आप बचेंगे। आपका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि जो प्रश्न में पूछा गया है उसी के अनुसार वर्गीकृत तरीके से आप अपने उत्तर को प्रेजेंट करें। अब हम आते हैं कि इस बार जो BPSC की मुख्य परीक्षा होने जा रही है उसके लिए करंट से इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहला तो आपको जो किसानों का आंदोलन चल रहा है इसके कारण कृषि संबंधी जितने भी मुद्दे हैं इस पर काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो पहला नंबर आपको तीन जो बिल हैं उन तीनों बिलों के नाम याद होने चाहिए। कौन कौन से बिल हैं? एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020, फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल 2020, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है उसे आप ध्यान देंगे। इसके साथ जो कृषि पर ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव पड़ रहा है, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव पड़ रहा है, इन चीज़ों को पर आप ध्यान देंगे। MSP को लेकर जो विवाद है, MSP A2 पर, A2 प्लस FL प्लस C2, ये तीन तरीके से किस तरीके से होते हैं, तीनों में अंतर क्या होता है। इसके साथ ही साथ किसानों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उन सारी योजनाओं को आप एक लिस्ट बनाकर एक जगह रख लें, क्योंकि इस आपने एक टॉपिक बना लिया कि कृषि से संबंधित इस बार एक प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। अब उसके रिगार्डिंग जितने भी फैक्ट्स हैं आप 3 से 4 पेज में पॉइंट वाइज फॉर्म में लिख लें। कम से कम आपको योजनाएं 7 से 8 कृषि कल्याण की तुरंत याद आ जानी चाहिए। जैसे कुसुम योजना चल रही है, संपदा योजना चल रही है, किसान उड़ान योजना चल रही है, इसके बाद किसानों को सम्मान निधि दिया जा रहा है, तो इस तरह की जितनी भी योजनाएं हैं आपको एक फॉर्मेट में याद होने जानी चाहिए। इसी के साथ साथ जो कृषि से रिलेटेड चीज़ें हैं
वो भी आप यहीं पे एक बार देख लेंगे, जैसे खाद्य प्रसंस्करण, प्रसंस्करण पशुपालन से संबंधित, मत्स्य पालन, ठीक है, एक टॉपिक हो गया जो चर्चा में। इसके अलावा जो अभी विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं उसके आंकड़ों को आप एक जगह इकट्ठा कर लें 3 से 4 पेज में, आत्मनिर्भर भारत स्कीम और पीएलआई स्कीम यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव की जो घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की गई है, ये किन किन क्षेत्रों में को लाभान्वित करेगा, बिहार में इस स्कीम का क्या बेनिफिट हो सकता है, इसे आप कर लेंगे। नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है 15वीं वित्त आयोग की रिपोर्ट, और इसमें जो बिहार के संबंध में आंकड़े होंगे उसे आप राइट डाउन कर लेंगे। आईआर में आप क्वाड कि हिंद महासागर में चाइना को प्रतिसंतुलित करने में क्या भूमिका हो सकती है, हिंद महासागर को सुरक्षा को लेकर क्या भूमिका हो सकती है इसकी, इसे आप देख लेंगे, यानी क्वाड इस बार अच्छे से करके जाएंगे। वैक्सीन डिप्लोमेसी क्या है इसे आप देख लेंगे। इसके अलावा प्रवासी मजदूरों की समस्या, कोविड के कारण उस पर क्या प्रभाव पड़ा है, बिहार जैसे राज्य रिवर्स माइग्रेशन यानी कि जो मजदूर हैं वो वापस अपने राज्य की ओर आ रहे हैं, तो उसके कारण जो बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो रही है उसे दूर करने के लिए राज्य सरकार ने क्या क्या उपाय किए हैं और आपके द्वारा क्या नवाचारी उपाय सुझाए जा सकते हैं, इस तरह के भी प्रश्न के लिए आप तैयार रहें और अपने पास पॉइंट वाइज फॉर्मेट में आंकड़े इकट्ठा करें। अब इन आंकड़ों को इकट्ठा आप कहाँ से करेंगे, इसके लिए आप योजना पूर्व क्षेत्र दृष्टि के जो वेबसाइट है हिंदी वेबसाइट उसके जब आप करेंट वाले सेक्शन में जाएंगे तो ये ट्यूटोरियल का सेक्शन होता है संपादकीय का, उसमें मंथली संग्रह रहता है, तो आप जब मंथली संग्रह को क्लिक करेंगे तो एक पीडीएफ के रूप में आप पिछले 6 महीने का डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें आपको अच्छे खासे पॉइंट मिल जाएंगे वहां से। इसके अलावा 5G तकनीक क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, और COVID-19 की महामारी में के दौर में जबकि ऑनलाइन सेवाओं का महत्व और बढ़ गया है, वैसे में 5G तकनीक कैसे इससे निपटने में सहायक हो सकता है, यानी इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप 5G तकनीक को करके जाएंगे। इसके बाद इस बार के जो आर्थिक सर्वेक्षण और बजट आया है बिहार में उसमें 7 निश्चय 2.0 लाया गया है, तो 7 निश्चय के 2.0 की जितनी भी बातें हैं उसे आप आर्थिक सर्वेक्षण से बजट से जो उसके लिए आंकड़े दिए गए हैं वहां से राइट डाउन कर लेंगे। हमने बिहार पर COVID-19 के प्रभाव को लेकर एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप चाहें तो उसे देख लें या आर्थिक सर्वेक्षण हिंदी में डाउनलोड कर लें। इस बार इन्होंने जो आर्थिक सर्वेक्षण हिंदी में अपलोड किया है वित्त विभाग के, बिहार सरकार के वित्त विभाग के वेबसाइट पर, वो काफ़ी बड़ा है, यानी कि मोबाइल में आप जब अगर आपके पास हाई स्पीड नेट नहीं है तो लगभग 300 से 400 MB की फाइल है, उसे डाउनलोड करने में आपको समय लग सकता है, तो आप चाहें तो उसे डाउनलोड कर लें और उसमें मैं एक वीडियो बनाकर अगले वीडियो में कभी बता दूंगा कि इस बार के आर्थिक सर्वेक्षण में आपको कौन कौन से हिस्से आपको ध्यान देने चाहिए, क्योंकि बहुत मोटा है इस बार का आर्थिक सर्वेक्षण। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको हमारे प्रयास अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, क्योंकि व्यूअरशिप अच्छी होने के बाद भी सब्सक्रिप्शन काफ़ी कम है, तो आपसे आग्रह है कि सब्सक्रिप्शन को थोड़ा बढ़ाएं ताकि हमें भी आपके लिए अधिक से अधिक वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद।